नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? जगदीश भाई। और बेबी आपका क्या नाम है? खुशी। क्या नाम है? खुशी। खुशी, खुशी को बढ़िया से बोलना सीखो। खुशी छोड़, हाँ तोड़ के बोलो तो अपने आप बढ़िया हो जाएगा। आपका क्या नाम है मैडम? इंदु। इंदुबेन, तो सर आपकी ये बच्ची तो बहुत ही बढ़िया है, क्या पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ी हुई है? नाइन्थ में पढ़ी हुई है। बहुत बहुत बढ़िया। कितने वर्ष की है ये? 14 वर्ष की। तो इनका कितने वर्ष से बहरापन है ये जनरली? ये तो हमको कुछ 3 साल के बाद में मालूम पड़ा। ओ, जब ये 3 वर्ष की होगी तब आपको मालूम पड़ गया कि बच्ची को सुनाई नहीं दे रहा है। हमने टंग करने थी का ऑपरेशन कराया। और आपने कोई बीच में प्रयोग किए थे, ट्रीटमेंट करवाई थी? बहुत ट्रीटमेंट, कभी कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी हमने मशीन लगाया, मशीन से भी कोई फायदा नहीं, 1,00,000 रुपए की मशीन लगी वो भी नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, आंख होगा तो चश्मा लगेगी, कान होगा तो मशीन लगेगी। अब तो मशीन भी बढ़िया चल सकती है, पर अपने को बिना मशीन के वही इसको करना। अभी अभी मशीन मत लगाइएगा, पहले भले ही मशीन से बढ़िया सुनती हो, ठीक है ना। तो ये 3 वर्ष की थी और तब तक आज होगी 19, यानी 15 वर्ष तक बिना सुने हुए बेचारी ने जिंदगी 14 साल की है। तो आपने मतलब 11 साल तक बिना सुने हुए जिंदगी इसने व्यतीत की है। तो 11 साल का जो कवरेज है आपको उसको प्रेम से सिखाना है, जी जी, है ना, कवरेज देना ना आपको। तो ये 11 साल के बाद में पहली दफा हमारी 1 घंटे की ट्रीटमेंट से सुनती हुई है। हमने कोई मशीन नहीं डाली, हमने किसके ऑपरेशन नहीं किया, कान में डाली दवाई, सुला के रखा बच्ची को, प्यार से रिस्पेक्ट से दवाई दी और आज बढ़िया से सुनती, दोनों कान से सुनती है ना, दूर से भी ले जाके सुनाया तब भी सुनती है। मेरे जितने भी आप यूट्यूब और गूगल के ऊपर मैंने सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाले हैं उसके ऊपर 3 महीने 6 महीने 12 महीने के बाद में आने वाले बच्चों के भी डाले, वो बहुत खुश है। बहरापन वापिस नहीं आता कभी, आपका कान कभी वापिस आएगा? बहरापन मानते हैं नहीं आएगा, इसको क्यों मानेंगे? सुन रही है तो सुन रही है, जो इसकी डिजीज है मैं निकाल दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, खत्म। तो आपको क्या लगा, क्या खुशी हुई, आप बताओ दीदी। आप भगवान हो जाएंगे। अरे मालिक भगवान भगवान मत बोलो, ऐसा बोलो ट्रीटमेंट में क्या खुशी हुई, क्या आपको खुशी की ट्रीटमेंट करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज ये सुन रही है, आपको क्या खुशी है? भी अच्छा लगा ना कि बिना मशीन के सुन पाई। वेरी गुड, सुन रही है। और मुझे क्या कहना है आपको कि मैं इसकी प्रॉमिस करता हूँ, आप दूसरी बार आएंगे कोई पैसा वैसा नहीं होगा, डोंट वरी। खास बात ये है कि आप इसको जब बोलना हुआ, जो मैंने ट्रेनिंग दी है, इसको कविताएं सिखाएंगी, जनगण मन नाम का आपका सिखाएंगे राष्ट्र की, और हरे राम जो शब्द रिपीट होते हैं वो सिखाएंगे। यदि आपने 5 भजन इसको सिखा दिए फिर देखो ये कितनी बढ़िया बोलती है, क्योंकि शब्दों को पकड़ने लगेगी है। दूसरी बात, इन लोगों को क्या होता है सर कि अपनी एक ट्रैक में चले जाते हैं, इनकी मेमोरी है ना विचारधारा में जाती है। तो आपको इसका मेमोरी डेवलप करने के लिए हमने मेमोरी की भी दवाइयां दी, आपको वाणी डेवलप करने के लिए भी दवाई दी है। अब ठीक है ना, दवाई करके बताइएगा, खूब खूब आभार। और फोन करिएगा सर, आपका फोन नंबर बता सकते हैं क्या है? कोई आपको फोन करे वो पूछे कि क्या सर आपको बेबी को कैसा लगता है, तो जवाब देंगे आप? क्यों, कि अच्छे इंसान है, आप चाहते हैं कि ये पुण्य सबको मिले। आपकी क्या फोन नंबर है सर? 9769192146। वेरी गुड सर, आप कहाँ से आए सर? बॉम्बे से। बॉम्बे से, क्या आपने कभी बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम सुना है? सब डॉक्टर। और सबको दिखाया, कहीं भी कोई इलाज नहीं है, सबने बोल दिया कुछ ही नहीं हो सकता, और आज 1 घंटे में सुन रही है, बहुत बढ़िया सर। मैं भगवान से खूब खूब प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बच्ची बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, सुनने में नहीं सब चीज में। सुनता तो यार सभी सुनते हैं, ये सुन ही रही थी, इसकी थोड़ी सी तकलीफ थी, मैंने निकाल दी, नसें चालू हो गई है, बढ़िया। गॉड ब्लेस यू सर, टेक केयर। देखिए जो ट्रीटमेंट सामान्यतः आपकी यहाँ जो होती है, जब हमारे क्या होता है कि सामान्य स्थिति में जब सब कुछ ठीक चलता था तो पेशेंट को 3-4 घंटे के लिए आप बुलाते थे, 1 घंटे में एक कान रेडी, दूसरे घंटे में दूसरा कान रेडी, कान में डालने की दवाई होती है, खाने की दवाई होती है, और उसी से हम बहरापन मिटाते हैं, और उसी के वीडियो यूट्यूब गूगल पर डाले हुए हैं, वही की वही सारी ट्रीटमेंट आपको हम घर बैठे भिजवा रहे हैं, और आपको वीडियो के द्वारा भी समझाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रीटमेंट यहाँ मिलने वाली थी वही ट्रीटमेंट आपको घर पर मिलेगी, फिर क्या चिंता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको कोरियर से दवाइयाँ टाइम पर मिल जाएगी, और इन शॉर्ट दवाइयाँ मिलेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आने का आग्रह न रखें।
समय बहुत कठिन खराब है, समय का सामना करो, आजकल वातावरण बहुत खराब है, प्लीज आने के अलावा दवाइयाँ घर बैठे मंगाइए। यदि ज़्यादा अविश्वास हो तो अभी मत मंगाओ, बाद में करवा लेना जब ठीक आपको लगे वातावरण ठीक हो गया 6 महीने 12 महीने बाद में आ जाना। कान कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आजकल जब महामारी हो जाएगी, कुछ ही नहीं होने वाला है। आपको ट्रीटमेंट करानी है घर बैठे दवाइयाँ मंगाओ, ट्रीटमेंट कराओ, दवाई ही है दवाई। देखिए कान में खाली दवाई नहीं है, दवाई है, एक्सरसाइज है, थेरापी है, थप्पड़ थेरापी है, पॉइंट है, और मन थेरापी है, और आपके सिस्टम है उसकी उसका वो क्या बोलते हैं उसके विधान है, उसका समय है, उसके बाद में कान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ है, अलग अलग विषय पर अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाई गई है, कम सुनने वाले को बेसिक सुनने वाले, सुनने के साथ में पेट की दवाइयाँ दी जाती है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, पेट में दर्द है, पेट में नहीं है, टीनिटस है, कान में चक्कर आ रहे हैं, और सुनाई कम दे रहा है, आवाज़ें आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे संसार असारा में क्या करूँगा, उन सब की बहुत सरल दवाइयाँ मित्रों, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सत्य कह रहा हूँ, कोई असत्य नहीं, आज की बात नहीं, बरसों से कर रहे हैं। यदि किसी को तकलीफ हो ज़्यादा हो तो वापिस संपर्क करो यार, हम तो आपके मदद में बैठे हुए हैं, हमने तो सिर्फ कफन बांध के बैठे हुए हैं कि हमारा कोई भी काम होगा वो जीवन मरण केवल कान के बहरापन मिटाने के लिए, कान की बहरापन की ट्रीटमेंट करने के लिए, हियरिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तन मन धन से कान के लिए ही समर्पित है।